रेवाड़ी में गुरुवार शाम को कोरोना वायरस के डर से 20 मार्च से 31 मार्च तक सब्जी मंडी बंद होने की बात महज एक अफवाह निकली। सोशल मीडिया पर फैली इस अफवाह से रेवाड़ी की सब्जी मंडी में भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लोग जमकर सब्जी की खरीदारी करने लगे। ग्राहकों की अधिक भीड़ होने के कारण सब्जी विक्रेताओं ने सब्जियों के दाम बढ़ा दिए। इस अफवाह पर रेवाड़ी जिला प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए प्रेस में बयान जारी किया और कहा कि रेवाड़ी की सब्जी मंडी शुक्रवार को भी प्रतिदिन की भांति खुली रही। अभी मंडी बंद के कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। सब्जी मंडी के बारे में कह रहे हैं जो गुड़गांव में जो किसान खुद अपनी सब्जी लेके आते हैं, खुद बेचते हैं, इसलिए उस मंडी के पर्पज के लिए न्यायाधीश ने आदेश दिया है और यहाँ के लिए कोई आदेश नहीं है सब्जी मंडी के लिए। तो वो लोग बाग ये कहने लगे भाई अब भाई पूरा शहर पूरे हरियाणा बंद है इसलिए पूरी सब्जी मंडी बंद है। तो सब्जी मंडी की रेवाड़ी की ना तो यहाँ की बंद है ना और कहीं की बंद है। जो गुड़गांव की जो सब्जी मंडी है जिसमें किसान जो सब्जी लेके आते हैं और खुद वे बेचते हैं वो सब्जी मंडी बंद है। मंडी को लेकर कुछ अफवाहें चल रही है सर। मैं रेवाड़ी के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो सरकार का आदेश आया हुआ है वो सिर्फ जो अनऑथराइज सब्जी मंडी जो कहीं पर भी लग जाती है, किसी कॉलोनी के आगे लग जाती है, किसी मोहल्ले के आगे लग जाती है, उसको लेकर है, उसको बंद करवाने को लेकर है ताकि बेकार में वहां पर भीड़ ना जमा हो। साफ सफाई को देखते हुए उस जगह को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि ये वायरस सरफेसेस पे भी रह जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। जो हमारी रेगुलर मंडी है वह सुचारू रूप से ऐसे ही चलती रहेगी, उसमें कोई बंदी के आदेश नहीं दिए गए हैं। सर आपने धारा 144 लगाई हुई है तो चिन्हित की हुई है जहां सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, उनको किसी तरीके से ना एपिडेमिक एक्ट के तहत हमने कुछ निर्णय लिए हुए हैं जिसके तहत सिनेमाज जो है वो बंद करा दिए गए हैं। कोई भी भीड़ वाली जगह पर भी जो है रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। 200 से ज्यादा मास गैदरिंग पे भी जो है रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। इसमें हमें मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के जो हमारे साथी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि गत मंगलवार को जो हमारा हनुमान मंदिर है उसके कपाट भी बंद हो गए थे। क्योंकि यह वायरस जितने ज्यादा लोग आपस में एक दूसरे के नजदीक रहेंगे उतना ही ज्यादा फैलने के चांस हैं। इस चीज को रखते हुए कोई भी ऐसी गैदरिंग जहां पे इतने ज्यादा लोग हैं उसको हमने बंद किया हुआ है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर, इन सब पे भी हमने रोक लगाई। रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए गेस्ट टीवी।